अगर हम लोग अपना गेट को खोल दे तो जदयू में कोई बचा ही नहीं रह जाएगा। जो स्थिति जदयू पार्टी का हो गया और उसके जो लीडर हैं आप देखे होंगे इधर 3-4 दिन से वो दिखाई भी नहीं दे रहे होंगे, तो अगर गेट खोल दे, चूँकि हमारे यहाँ इतने सीनियर लीडर हैं कि उनको एडजस्टमेंट मुश्किल हो रहा है, जिस दिन गेट खुलेगा उस दिन जदयू के पास कुछ भी नहीं रह जाएगा। आप यही समझ। नमस्कार, देख रहे हैं आप जेडी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। जेडीयू विधायक बीमा भारती ने जेडीयू के प्राथमिक सदस्यता से शनिवार को इस्तीफा दे दिया और फिर आरजेडी में शामिल हो गई है, जिसके बाद से सियासी सरगर्मी काफी तेज है। सियासी गलियारों से तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। ऐसे में आरजेडी एमएलसी सुनील कुमार सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है, साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस दिन राजद का दरवाजा खुल गया उस दिन जेडीयू पूरे तरीके से समाप्त हो जाएगा, जेडीयू में कुछ भी नहीं बचेगा। बड़ा बयान देते हुए नजर आए तेजस्वी यादव के मुंह बोले मामा, और इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि हमारे पास इतने सीनियर लीडर है कि एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं, नहीं तो जिस दिन राजद का दरवाजा खुल गया उस दिन जेडीयू समाप्त हो जाएगी। इसी के साथ साथ पप्पू यादव को लेकर भी बड़ा बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, पूर्णिया सीट को लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं सुनील कुमार सिंह, पहले आप वो सुने। अगर हम लोग अपना गेट को खोल दे तो जदयू में कोई बचा ही नहीं रह जाएगा। जो स्थिति जदयू पार्टी का हो गया और उसके जो लीडर हैं आप देखे होंगे इधर 3-4 दिन से वो दिखाई भी नहीं दे रहे होंगे, तो अगर गेट खोल दे, चूँकि हमारे यहाँ इतने सीनियर लीडर हैं कि उनको एडजस्टमेंट मुश्किल हो रहा है, जिस दिन गेट खुलेगा उस दिन जदयू के पास कुछ भी नहीं रह जाएगा। आप यही समझ। अभी और आएंगे कुछ लाइन में है और आएंगे क्या कुछ लाइन में हम है? तो पहले बताए ना कि अगर हम लोग गेट को खोल दें तो क्या स्थिति उत्पन्न होगा, जदयू पार्टी में कैसी खलबली मचेगी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और विधायकों के आने की सिलसिला है क्या अभी? अरे भाई लगातार कंटिन्यू, वही तो हम बता रहे हैं, पूरे बिहार में 40 लोकसभा का सीट है, उसमें भी महागठबंधन को बहुत सारे सीट देना पड़ता है, उसके अतिरिक्त हमारे पास ही इतने सीनियर लीडर हैं जिनको एडजस्टमेंट करना मुश्किल हो रहा है। तो जो स्थिति और परिस्थिति बना हुआ है कि अगर राष्ट्रीय जनता दल अपने गेट को ओपन कर दे तो समझिए कि उधर कुछ ही खाल, मतलब उधर कुछ ही नहीं रह जाए। सम्राट चौधरी सम्राट जी पर कोई वक्तव्य देना भी समझिए कि अपने चेहरे पर भी कादो लगा लेना है। वो जिस तरह का मतलब उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया है उसकी जितनी भी भर्सना की जाए वो कम होगा, और उनके पार्टी के लोग ही उनके जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है किस तरह से खंडन कर रहा है लोग, आप समझ लीजिए कि पूरे उन्होंने समाज को कलंकित किया है। पूरे जो समाज में जो पुत्री है, जिसकी बेटी है, जो महिला है, पूरे देश के महिलाओं को उन्होंने अपमानित करने का काम किया। अच्छा, कांग्रेस का अलायंस नहीं होगा, कांग्रेस का अलायंस अगर हम लोग के साथ नहीं होगा तो क्या भाजपा के साथ होगा क्या? क्योंकि पप्पू यादव उधर से कह रहे हैं कि मर जाएंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, उधर बीमा भारती भी है। नहीं, उनका समर्पण है पूर्णिया के प्रति, तो कोई भी बोलता है कि हम मर जाएंगे पूर्णिया के प्रति, कौन बड़ा भारी बात है? इसका मतलब थोड़े आप कयास लगा लीजिएगा कि राष्ट्रीय जनता दल के कारण चालीस के बदले 45 सीट कहने जीत जाता है भाई। अब और क्या बोलेगा कि हम सब सीट हार रहे हैं? वो बोलेगा ना भाई, अंतिम दम तक बोलेगा कि हम 40 सीट जीत रहे हैं। पप्पू यादव पर तिखी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई सुनील कुमार सिंह, और कहते हुए नजर आए कि पूर्णिया से अगर लगाव है तो वो महागठबंधन या फिर आरजेडी के कारण नहीं है। इसी के साथ साथ सम्राट चौधरी पर जबरदस्त निशाना साधते हुए नजर आ रहे थे। इसी के साथ साथ तमाम मुद्दों को लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे आरजेडी एमएलसी सुनील कुमार सिंह, सुना आपने। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही, तमाम जानकारी के लिए बने रहें सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।